पतंजलि का संवाद विभाग है, यहाँ फोन सुनते हैं हमारे भाई बहन। दो शिफ्ट चलती है, सुबह 6 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक। बहन आशु और पारुल ये इस सेवा को देखते हैं और सुबह से शाम तक रोगी भी फोन करते हैं, पतंजलि योगपीठ के किसी भी संदर्भ में उनको जानकारी लेनी हो उसके बारे में पूछते हैं। जब कभी यहाँ कोई आवासीय शिविर होता है उसके बारे में पूछते हैं और यदि कोई नई सेवा शुरू की है उसके बारे में पूछते हैं। माने आज देश भर में यदि 5000 चिकित्सालय खोले गए हैं तो उन 5000 चिकित्सालयों का भी संवाद यहीं से हुआ है। आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे हजारों की संख्या में, उनका भी संवाद यहीं से हुआ है और यहाँ आवासीय शिविर हुए हैं लाखों लोगों के, उनका भी संवाद यहीं से हुआ है। किसी रोगी को किसी भी संदर्भ में पूछना हो तो वो भी यहीं से संवाद करता है और जो है किसी को कोई शिकायत भी करनी हो तो भी, या कुछ सुझाव देना हो तो भी यहाँ से संवाद करता है। 01334240008 एक ही नंबर है। एक नंबर में यदि एक लाइन बिजी होगी तो दूसरे पर, दूसरी हो तो तीसरे पर ऐसे जंप कर जाती है रिंग, तो ऐसे 01334240008 इस नंबर के ऊपर जब आप कॉल करते हो तो उस पर करीब 10 घंटे एक साथ बजने की क्षमता होती है। तो यदि एक व्यस्त है तो दूसरी पर अपने आप वह ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता। तो ऐसे लगातार यहाँ फोन कॉल्स अटेंड करते हैं। फेसबुक और ट्विटर वाला विभाग यहाँ नहीं चलता है, वो दूसरा विभाग है। उसमें भाई शांतनु जी और एक पूरी टीम है जो फेसबुक और ट्विटर के लिए काम करती है। तो ये संवाद का बहुत बड़ा तंत्र पतंजलि योगपीठ में चलता है, बहन आशु और पारुल के नेतृत्व में। ये आपको जो संवाद विभाग है उसके बारे में थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया कि पूरे देश में आपको भी कहीं पर ऐसा लगता है कि आपको कोई सुझाव देना है, आपको किसी बारे में पूछना है तो आप यहाँ सीधा संपर्क कर सकते हैं। और चाहे पतंजलि की योग के संदर्भ में, आयुर्वेद के संदर्भ में, जो स्वदेशी वस्तुएं हैं अपने उनके संदर्भ में, और जो अपने आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक कार्य चल रहे हैं उन सब के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, माने पूरा योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के जो विभिन्न प्रकल्प हैं, अब यदि सभी संदर्भों में बात करें तो इतना विषय होता है पतंजलि विश्वविद्यालय का, फिर योगाग्राम का संवाद विभाग वहाँ ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि उसमें भी फिर हजारों लोगों की क्वारीज रहती हैं। तो इतना बड़ा विभाग है ये और इसमें बहुत ही प्रामाणिकता से हमारी बहनें सेवा दे रही हैं। आशु और पारुल को बहुत बहुत धन्यवाद और जो है आपकी दिव्यता के लिए। और आपको यदि कोई पतंजलि की सेवाओं के संदर्भ में कोई भी संवाद करना है तो आप भी इस सेवा का लाभ लीजिए और अपने अमूल्य सुझाव भी दीजिए। आपको मेल से, पत्र से भी आपको कुछ जानना है तो वह भी आप जान सकेंगे। बाकी फेसबुक और ट्विटर को तो आप फॉलो करते ही। तो ये हमारी दोनों बहनें पिछले 14-15 सालों से लगातार सेवाएं दे रही हैं और संवाद के अलावा श्रद्धे आचार्य जी का जो फेसबुक और ट्विटर की सेवा का भी कार्य है उसको भी यहीं से संभाल रहे हैं। और बाकी जो दूसरी टीम है वो जो है हमारा जो ट्विटर और फेसबुक का, सोशल मीडिया का कार्य चल रहा है उसमें भी बहुत सारे भाई बहन, भाई शांत जी के नेतृत्व में उसमें भी सेवा दे। संवाद के बाद हम आपको ले आए हैं योग संदेश विभाग में। हमने आपसे कहा कि संवाद का, प्रकाशन का और सोशल मीडिया का, फोन, मेल, पत्राचार और फिर पूरा प्रकाशन विभाग है। योग और आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रामाणिक पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य चल रहा है और ये जहां हम आपको दिखा रहे हैं ये योग संदेश पत्रिका यहां से छपती है। यदि हम शुरू करें इधर से, यद्यपि ये थोड़े थोड़े अलग अलग संस्करण भी रखे हैं,
लेकिन ये नया संस्करण है दिसंबर महीने का, तो हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, गुजराती, मराठी और जो है बांग्ला, असमिया और जो है ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अलग अलग भाषाओं में, फिर नेपाली और जो है ये नेपाली का था, और जो है ऐसे 13 भाषाओं में और अलग अलग मास के संस्करण आप देख रहे हैं। तो ये जितने भी गौरवशाली क्षण थे आचार्य कुलम के उद्घाटन से लेकर के और जो कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ जो पूरा संग्राम चल रहा था वह पूरा अनुष्ठान, और ये अलग अलग जितने भी इवेंट्स होते रहते हैं, माने पतंजलि योगपीठ के संदर्भ में जितनी भी जानकारी है, ये पुराने संस्करण हैं, बहुत अच्छा पेपर है, और ये सारे आंदोलनों के हैं, आंदोलन के दरमियान पूरा का पूरा ये अभियान और जितने भी योग शिविर हैं और रामलीला मैदान के आंदोलन से लेकर के यहाँ योग संदेश, उस समय इस तरह का अक्षर हुआ करता था, अभी स्टैंडर्डाइज हो गया है, तो ये पुराना जो है पुरानी व्यवस्था परिवर्तन विशेषांक जो है ये काफ़ी पुराना है, ये मुझे लगता है 2010 का है। ये हमारे सभी विद्वान जो है इस कार्य में हमारे और सारे हमारे कार्यकर्ता जो इस कार्य में लगे रहते हैं, उन सबका रात दिन अथक पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज 13 भाषाओं में ये पत्रिका निरंतर गतिमान है, और हर महीना लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, हमारी सामाजिक आध्यात्मिक विरासत और भारत की आत्मा से जुड़ी हुई पत्रिका है। ये कोई जो है राजनीतिक पत्रिका नहीं है, आर्थिक पत्रिका नहीं है। इसमें जो भी समाज का सात्विक पहलू है, सभी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर मात्र एक संकेत मात्र होता है, लेकिन मूलतः आपके जीवन से जुड़ी हुई, योग से, आयुर्वेद से, आपकी जीवन शैली से, और योग संदेश में पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारे सब भाई सेवा दे रहे हैं, और हमारे सब विद्वान गण, आचार्य गण, श्रद्धेय गुरुदेव, श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी, तो श्रद्धेय गुरुदेव भी अलग अलग जीवन से जुड़े हुए जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान देते रहते हैं। हमारा आगे संकल्प है कि योग संदेश हर घर तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से आजकल अखबार आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, उसमें अश्लीलता जो है प्रमुखता से आती है, फिर तरह तरह की जो है ऐसी ऐसी खबरें जिसमें रचना धर्मिता नहीं है, जिसमें जो है सात्विकता नहीं है, तो ये अपने इसमें आपको जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे हैं उनके बारे में भी एक समझ मिलती है, लेकिन मूलतः आपका जीवन जिससे दिव्य बनता है उसके लिए ये योग संदेश पत्रिका है। अपनी ऋषियों की विरासत को लेकर के भारत की जो आत्मा है, अध्यात्म, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, माने पतंजलि योगपीठ के जो मूल मुद्दे हैं, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति और गो से, कुदरती खेती से, हर महीने कुदरती खेती के ऊपर, अभी जो मैं दिखा रहा था पूरा नहीं दिखा पाया आपको, हर महीने कुदरती खेती पर भी एक लेख आता है। तो ये अलग अलग विभागों के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने घर में योग संदेश पत्रिका जरूर मंगाइए। तो ये लीगल वाला विभाग है, तो ये लीगल का कार्य है, कुछ यहाँ से चल रहा है, कुछ हमारे भाई दिल्ली में रजत प्रकाश जी हैं वो देखते हैं, और अभी इस कार्य के मूल में पतंजलि योगपीठ एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, और उसमें एचआर और
जो है मानव संसाधन बहुत बड़ा विभाग है, तो आदरणीय ललित जी हमारे यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं और ये HR मानव संसाधन से लेकर के अलग अलग निर्माण के कार्यों से लेकर के बहुत बड़ी सेवाएं देते हैं। तो सारे अलग अलग विभाग यहाँ पर कार्यरत हैं और करीब एक तो हो गया पतंजलि योगपीठ, और उसके पतंजलि योगपीठ में ही जितने भी पांचों ट्रस्ट हैं उन सबका मुख्यालय यहीं पर है अभी। यद्यपि अलग अलग भी कार्यालय चलते हैं हम, जैसे विदेशों में जो ट्रस्ट हैं उनके यूके यूएसए कनाडा नेपाल आदि में, वहां पर अलग कार्य चल रहे हैं, वहां अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन भारत में जो चल रहे हैं पांच ट्रस्ट हैं उनके सबके जो है एक तरह से हेड ऑफिस यहीं पर है सारा, और उस सबको हमारे ललित मोहन जी देखते हैं सारे ट्रस्टों के, उस सेवा कार्य के जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो 14-15 सालों से लेकर के 20-21 वर्षों से भी जो हमारे प्रथम दिन से साथ थे, आचार्य जी बता रहे थे जो हमारा रसोईया है वो 20 वर्षों से साथ में, कुछ लोग पहले दिन से, कुछ लोग 10-12 सालों से, कुछ 14-15 सालों से, यहाँ अलग अलग HR में और फाइनेंस में अलग अलग मानव संसाधन में भी ऐसे ही कुछ 10 कुछ 12 14 15 सालों से लोग सेवाएं दे रहे हैं, और तभी ये कार्य इतने बड़े रूप में संपन्न हो रहा है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रद्धे आचार्य भाषण जी, जो महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि ऋषियों की परंपरा के अनुगामी हैं और उन ऋषियों के ही मूर्त रूप हैं, प्रतिरूप हैं, उन्होंने अपनी प्रखर प्रज्ञा का पूरा उपयोग करके ये आयुर्वेद के सिद्धांत दर्शन परंपरा उस सब को यहाँ पर बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ समाविष्ट करके ये एक बहुत सुंदर गुफा बनाई है। आइए आपको पूरा दर्शन कराते हैं इसका। पूरे विश्व को सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था अर्थात हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल एंड फैमिली सिस्टम देने वाला योग विद्या, अध्यात्म विद्या, जीवन विद्या देने वाला, जीने का दर्शन देने वाला भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष के प्राण हैं हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, और उनकी पुण्याई से आज करीब 200 करोड़ वर्षों से भारत की ये संस्कृति अखंड रूप से चली आई है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने अखंड और प्रचंड रूप से पुरुषार्थ किया और इस भारत को परम वैभवशाली बना के रखा। उन ऋषियों में आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आयुर्वेद के संस्थापक, मेडिकल साइंस के प्रथम प्रणेता है महर्षि चरक। तो महर्षि चरक उनका ये चित्र है और उनका पूरा चरित्र लिखा हुआ है यहाँ पर। हमारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते अपने पूर्व ऋषि मुनियों के बारे में, वो आकर के यहाँ महर्षि चरक का चरित्र क्या है, उनकी का कालखंड क्या है, उनका इतिहास क्या है, उसको थोड़ा पढ़ लेंगे यहाँ पर। फिर महर्षि चरक के बाद महर्षि धन्वंतरी, महर्षि धन्वंतरी के बारे में जो आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक, सुश्रुत धन्वंतरी आदि, उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, उनका इतिहास, फिर उनका चित्र है। महापुरुषों के चित्र और चरित्र का दर्शन करने से अपने जीवन में उत्साह जागता है, अपने उन पूर्वजों से हमें प्रेरणा मिलती है। फिर आप देख रहे हैं ये योग की अलग अलग मुद्राएं, ये शून्य मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, ये जो अलग अलग मुद्राएं, ये धारणा मुद्रा है, ये लिंग मुद्रा है, फिर ये वरुण मुद्रा है, अलग अलग जो मुद्राएं हैं, अपान मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है, इन मुद्राओं का आपको यहाँ दर्शन होता है, प्राण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा आदि। और ऋषियों की इस पावनी परंपरा को आप अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, आयुर्वेद की पूरी संस्कृति को यहां दर्शाया गया है।
तीन उपस्तंभ हैं, त्रय उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति, ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो किस तरह से हमारा आहार हो, कैसी हमारी सात्विक निद्रा हो और किस तरह से हम जीवन में संयम और सदाचार के पथ पर आगे बढ़ें, उसकी यहाँ प्रेरणा दी गई है। आयुर्वेद की चिकित्सा का मूल सिद्धांत है त्रिदोष सिद्धांत। तो पूरे त्रिदोष सिद्धांत को वात पित्त कफ को चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है और त्रिविध औषध का सिद्धांत है उसको यहाँ दर्शाया गया है। श्रद्धाचार्य वाशिष्ठ जी ने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। उस पुस्तक में चित्रों के साथ आयुर्वेद के पूरे सिद्धांत को बताया गया है। जो आयुर्वेद के बारे में अधिक जानना चाहते हैं वो उस पुस्तक को जरूर पढ़ना। आयुर्वेद में एडवांस ट्रीटमेंट बोलो या सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट बोलो, उसमें है पंचकर्म और षटकर्म, क्योंकि योग आयुर्वेद तो एक दूसरे से भिन्न है ही। पंचकर्म की पूरी चिकित्सा को यहाँ पर दर्शाया गया है, ये कटिवस्थि कैसे करते हैं। फिर अभ्यंग, अभ्यंग मालिश को बोलते हैं, वो मसाज कैसे करते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ फिर यहाँ पर रक्त मोक्षण, किसी को रक्त विकार होता है तो उसके लिए रक्त मोक्षण की प्रक्रिया है, तो पंचकर्म का ही पूरा सिद्धांत। नस्य देते हैं तो नस्य किस प्रकार से दिया जाता है, बैठा करके भी और ऐसे लिटा करके भी देते हैं। ये सिरोधारा होती है, खास करके जिनको डिप्रेशन होता है, माइग्रेन पेन होता है, सिरो रोग होते हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए सिरोधारा दी जाती है। और ये उपनाह है और यहाँ पर है स्वेदन। अलग अलग प्रकार से ये पूरी चिकित्सा है आयुर्वेद की, जिसका पूरा दर्शन यहाँ पर करवाया गया है। पंचकर्म के बाद षटकर्म को यहाँ पर दर्शाया गया है। धोतिर्वस्थित तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। जल नेति सूत्र नेति जो करते हैं उसका तरीका यहाँ पर बताया गया है। वस्त्र धोती करते हैं, वमन कुंजर क्रिया करते हैं, जल नेति करते हैं और वमन धोती करते हैं, नौली क्रिया जो आप टीवी पर हमारी देखते रहते हैं, ध्यान जिससे कि हम अपने भीतर और बाहर जो एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है उसको और उस भगवान की पूर्णता को, भगवान के पूर्ण सुख को, शांति को, आनंद को, ज्ञान को, ऐश्वर्य को अपने भीतर बाहर अनुभव करते हुए, भीतर और बाहर पूर्णता अनुभव करते हुए अकामता में जीना, निष्कामता में जीना, आप्तकाम आत्मकाम ब्रह्मकाम होकर के जीना, अचाह होकर के जीना, यही तो योग है। तो ध्यान फिर विपरीत करनी है, इस तरह से अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, फिर ये अलग अलग प्रकार के, फिर प्राणायाम की मुद्राएं, ये बाह्य प्राणायाम है और फिर ये भ्रामरी प्राणायाम है। माने बच्चे एक जगह आकर के किस प्रकार से अपनी संस्कृति का दर्शन कर सकते हैं, अध्यात्म का जीवंत दर्शन कर सकते हैं, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और उन प्राणायामों का यहाँ सचित्र वर्णन किया गया है, माने जीवंत दर्शन यहाँ पर मिलता है। और ये जो आप मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं, आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है षड्रस और मधुर, लवण, कषाय, अम्ल, तिक्त, कटु, ये जो षड्रस हैं और उन षड्रसों में किस किस चीज़ का प्राधान्य है वो भी साथ में दर्शाया गया है। वायु, तिक्त, आकाश, अग्नि, माने किस किस गुण में किस किस की प्राधान्यता है, पृथ्वी, अलग अलग सारे, माने षड्रसों का पंच तत्वों के साथ क्या संबंध है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। माने इस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की इस वनौषधि वाटिका में, इस जड़ी बूटियों के इस उद्यान में आपको आयुर्वेद का पूरा दर्शन और सिद्धांत मूर्त रूप में देखने को मिलता है। आयुर्वेद में नाड़ी चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि निदान के, डायग्नोसिस के मॉडर्न मेथड्स भी बहुत अधिक आ गए हैं, हम उनका सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो रक्त की जांचें हैं, MRI है, CT स्कैन है,
चाहे एंजियोग्राफी है और कैंसर आदि के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की नाड़ी चिकित्सा और जो है नाड़ी से त्रिदोषों का पता लगाना और किस तरह से त्रिदोषों के विकृत होने से सब प्रकार के दोष विकार शरीर में पैदा होते हैं, वो एक सिद्धांत आयुर्वेद का। श्रद्धे आचार्य वाटसन जी की इस पूरी कृति को देख करके, उनकी इस पूरी सृष्टि को देख करके, वैसे तो वो बहुत बड़े दृष्टा हैं, लेकिन वो इस पतंजलि योगपीठ के सारे प्रकल्पों के सृष्टा भी हैं। तो आपको भी आश्चर्य होगा और आप कह उठेंगे अंतर से, हृदय से, ये सुंदरतम कृति है इस सृष्टि की। इस तरह से श्रद्धे आचार्य श्री ने इसको बनाया है। फिर आयुर्वेद में शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की जो व्यवहारिक विधि थी, माने प्रैक्टिकल मेथड्स अपनाते थे, किस तरह से हमारे पूर्वज रोगों का उपचार करने के लिए, वो सारा यहाँ पर दर्शाया गया है। ये सब देख करके लगता है आप ऋषियों के जमाने में आ गए हो। रोग मुक्ति के लिए चार महत्वपूर्ण अंग उनको यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस किस तरह से हम रोगों की मुक्ति के लिए आयुर्वेद में प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं उस सब को। और आयुर्वेद में प्राचीन काल से औषधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती थी और किस तरह से वो खरल में और जो है जिसको कहते हैं सलवट्टे में, जिसमें हम चटनी आदि बनाते हैं घरों में, तो प्राचीन काल में जैसे जैसे हमें यंत्र मिलते रहे, जैसे जैसे आविष्कार होते रहे, वैसे वैसे औषधि निर्माण की प्रक्रिया भी, और हम उसको आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं। लेकिन यह हमने आपको वैदिक काल का दर्शन कराया, आयुर्वेद की ऋषि परंपरा को यहाँ पर जीवंत रूप दिया है श्रद्धे आचार्य वाटसन जी ने। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की ये नर्सरी है जहाँ पर हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगाई जा चुकी हैं, कुछ और लगाई जाएंगी। ये उसके लिए एक बहुत भव्य और दिव्य बिल्डिंग है, हरिद्वार से दिल्ली हाईवे के ऊपर। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमने कहा था हम आध्यात्मिकता और आधुनिकता, दिव्यता और भव्यता दोनों के समर्थक हैं, दोनों को समान रूप से गौरव देते हैं। और इसके अंदर जो आयुर्वेद की रिसर्च को लेकर के, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, जड़ी बूटियों को लेकर के, अलग अलग प्रकार के बहुत से ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसको देख करके आप सबको गौरव होगा। अब मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ यत्र विश्वम भवत्येक नीडम के स्लोगन के साथ महर्षि धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रणेता हैं, महर्षि चरक शिष्य धन्वंतरी की इस पावनी परंपरा को इस पेड़ में दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया, पेड़ पौधों से लेकर के उनके दल कैसे होंगे, इसके ऊपर एक सामान्य रूप से आयुर्वेद को आकार देने का पुरुषार्थ किया श्रद्धे आचार्य वाटसन जी ने। और इसमें आप देख रहे हैं योग का भी, अष्टचक्रों का भी, किस तरह से पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की विभिन्न चीज़ों का उपयोग किया जाता है, किस तरह से जंगलों के बीच में हिरण आदि रहते हैं, दूसरे जीव जंतु रहते हैं, और उन सब के बीच से हम औषधियों का संग्रह करके मनुष्य के रोगों का निराकरण करते हैं, उसका मात्र यह एक छोटा सा उदाहरण है। पूरी दुनिया में करीब 4 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, पेड़ पौधे, उन 4 लाख प्रकार के पेड़ पौधों में से 60,000 से ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की पहचान श्रद्धे आचार्य वाटसन जी ने की है जो चिकित्सा में प्रयोग में आ सकती हैं। महर्षि चरक शुश्रु धन्वंतरी निघंटु आदि में जो भी अलग अलग प्रकार की औषधियों का वर्णन मिलता है वो करीब 1,000 के आसपास है। 60,000 वन औषधियों पर श्रद्धे आचार्य वाटसन जी काम कर रहे हैं, और उन औषधियों में से हजारों प्रकार की औषधियों को यहाँ एक स्थान पर लगाया जा सके,
उसके लिए ये आयुर्वेद की प्रदर्शनी भी इसमें साथ साथ में रखी गई है। कई प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ करीब 3-4 बड़ी गुफाएं बनाई गई हैं कि कंदरा में गुफाओं में रहने वाले हमारे अरण्यवासी ऋषि मुनि किस प्रकार से आयुर्वेद का अनुसंधान किया करते थे और किस तरह से जड़ी बूटियों पर उन्होंने अध्ययन, शोध, अनुसंधान और अनुभव करके हमको ये बहुत बड़ी विरासत दी आयुर्वेद की। उसके ऊपर एक पूरा आप यहाँ से दर्शन पा सकेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वन तुलसी है, सुगंध आ रही है इसकी बहुत अच्छी। इसके पीछे और दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियाँ, हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ इस समय तक यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं। कई गुफाएँ यहाँ पर बन करके तैयार हैं। ये मेरे दाएं तरफ आप तुलसी देख रहे हैं और इधर पीछे की तरफ आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की सर्दी से बचाने के लिए कुछ औषधियों को ढपा गया है और यहाँ वनस्पतियों के साथ कुछ जीव जंतु भी हैं और लोग एडवेंचर के लिए, पिकनिक के लिए कोई होटलों में जाता है, कोई जंगलों में जाता है। हरिद्वार देश की स्पिरिचुअल कैपिटल है, धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी है। सैटरडे संडे को, विशेष त्योहारों को, कुंभ मेले में और हर वर्ष छुट्टी में लोग हरिद्वार आते हैं। करोड़ों लोग हरिद्वार आते हैं, उनको योग, आयुर्वेद और अपनी भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका जीवंत दर्शन नहीं हो पाता है। तो पतंजलि की इस नर्सरी में, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के इस कैंपस में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां और ये अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो रेस्टोरेंट को भी पूरा आकार दिया है वो ऐसा दिया है कि ऐसी फीलिंग हो कि आप जंगल में आ गए और जो है एक तरह से ऐसा दृश्य बच्चों ने शायद कभी नहीं देखा होगा, बड़ों ने भी नहीं देखा होगा। और इसके अंदर मैंने कहा कई गुफाएं बनाई गई हैं। ये शुरू में एक बहुत बड़ी गुफा है, फिर इसके अंदर करीब 6-7 गुफाएं हैं और फिर चारों तरफ जड़ी बूटियां लगाई गई हैं और इन सब का मकसद एक ही है कि हम प्रकृति से जुड़ें, योग से जुड़ें, आयुर्वेद से जुड़ें, स्वदेशी से जुड़ें, अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ें और दीर्घायु प्राप्त करें। हम तन से स्वस्थ रहें, मन से प्रसन्न रहें, बुद्धि हमारी प्रकाशित हो, विवेकवती हो, हम प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण व्यवहार करते हुए स्वयं सुखी रहें और इस जगत को सुखी बनाएं। यही था हमारे ऋषियों का सपना और उन ऋषियों के सपने और संकल्प को पूर्ण कर रहा है पतंजलि योगपीठ आप सबके सहयोग से। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की इस नर्सरी में एक बार आप आ जाएंगे तो आपको लगेगा आपने सारे जंगल, पहाड़, वनस्पतियां, औषधियां सबके दर्शन कर लिए, माने एक स्थान पर पूरी प्रकृति का दर्शन। श्रद्धे आचार्य बाक्षण जी महाराज जी ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है, जो प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, कि इसमें एक ऐसी परिक्रमा बनाई है कि जो एक बार इसमें प्रवेश कर जाएगा उसको प्रकृति का पूरा दर्शन होगा। और ये जिस झूले पर हम अभी चल रहे हैं ये भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नीचे बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं और इस तरह का पूरा झरने, पहाड़ और पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाई गई हैं कि आप खुद आकर के यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद अनुभव करेंगे। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की इस नर्सरी का हमने आपको यह एक सिंहावलोकन जैसा संक्षिप्त दर्शन करवाया है। हजारों प्रकार की यहाँ वनस्पतियाँ लग चुकी हैं और हजारों प्रकार की वनस्पतियां लगाने की पूरी तैयारी है।
पतंजलि का यहाँ पर दूध से लेकर के और तमाम जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उस डेयरी प्रोडक्ट्स की एक बहुत ही अत्याधुनिक यूनिट है। आदरणीय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे डेयरी के जो हेड हैं आदरणीय श्री बंसल जी, वो हमारे साथ में हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट है ये। कितनी कैपेसिटी है बंसल जी? 4 लाख लीटर की। 4 लाख लीटर की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। और मिल्क के साथ साथ क्या क्या? बटर है, मिल्क पाउडर है, बटर है, छाछ है, दही है, सब प्रकार के यहाँ पर निर्माण की व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ 4 लाख लीटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। टैंकर सबसे पहले यहाँ आता है, सबसे पहले टेस्टिंग होती है, धुलाई होती है, फिर उसको यहाँ से दूध को खाली किया जाता है, उसकी छनाई होती है, और ये सारा कार्यक्रम कुछ घंटों के अंदर होता है, नहीं तो दूध की क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो एक एक क्षण में रूपांतरण होता है, उसको पूरा मापन करते हैं। मेन प्लांट है जहाँ पर मिल्क का प्रोसेसिंग प्लांट इसको बोलते हैं। यहाँ पर उसका पॉस्चराइजेशन होता है, दुग्ध को ऐसे कंडीशन में लेकर के आना जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा ना हो, और उसकी सारी किसी भी प्रकार की उसके अंदर प्रथम तो उसके चयन से लेकर के, उसके कलेक्शन से लेकर के, और यहाँ तक प्लांट तक पहुँचाने तक उसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी डेवलप ना हो, उसके लिए सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। और फिर यहाँ लाने के बाद उसका साइंटिफिक वे में प्रोसेस करके, और ख़ास बात है कि ये गाय का दूध, और वहाँ भी राजस्थान से ज़्यादा कलेक्ट होता है, और ये भिवाड़ी भी राजस्थान में ही है, और उसके अलावा हरियाणा के एक क्षेत्र से भी। अभी तो गाय के दूध का ही मुख्य रूप से हम लोग दिल्ली से लेकर के NCR और उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तक पूरे पहाड़ तक हम दूध उपलब्ध कराते हैं, और इधर जयपुर से लेकर के हरियाणा के भी कुछ हमने पकड़ा है, और उधर महाराष्ट्र और मुंबई तक, पुणे औरंगाबाद तक, वहाँ हम दूध उपलब्ध कराते हैं। लोगों को भैंस का भी दूध पीने की आदत है, और भैंस का घी भी खाने की आदत है। भैंस का भी दूध लॉन्च हो चुका है, क्योंकि वह भी किसानों के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उनकी समृद्धि, उनका स्वावलंबन, उनकी आत्मनिर्भरता। और क्योंकि ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर है, और इस क्षेत्र में जैसे मैंने कहा राजस्थान, और राजस्थान के आगे ये पूरा जयपुर से लेकर के गंगा नगर और झुंझुनू, और काफ़ी दूर तक हम गाय के दूध का कलेक्शन करते हैं। तो फुल फैट मिल्क, उसको फुल क्रीम मिल्क बोलते हैं, तो ऐसा वो भी दूध लॉन्च हो चुका है। अभी फुल क्रीम मिल्क, फुल फैट मिल्क, वो भी जो जिसके अंदर मुख्य रूप से भैंस का दूध होगा, जिनको भैंस का दूध पीने की आदत है, वैसे वो भी A2 मिल्क होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रकृति से गाय का दूध सात्विक है, वो एक अलग बात है। तो ये अभी फुल फैट वाला, फुल क्रीम वाला मिल्क, और उसके साथ टोंट मिल्क और काओ मिल्क, ये सब हम दे ही रहे हैं। ये बटर का है प्लांट पूरा, और बटर चैम्बर है ये। घर में जैसे दही बिलोते हैं, तो ये बिलोने का नया प्रोसेस हो गया। ये इस टैंक में दूध है, आप देख रहे हैं। अब ये दूध निरंतर ऊपर जाता जा रहा है, और ऊपर जा करके उसका पानी सोख लिया जाता है, और अब ये इतना बड़ा
ये पूरा तंत्र देख रहे हैं। इस चैम्बर में से जैसे जैसे नीचे आता है उसमें धीरे धीरे पानी उड़ जाता है और इसका जिसके अंदर फैट है थोड़ी मात्रा में और उसके अंदर खास करके प्रोटीन है, मिनरल्स हैं सारे के सारे, वो सारे पोषक तत्व जो दूध के अंदर होने चाहिए। दो तरह का मिल्क पाउडर होता है, इसमें भी एक कम फैट वाला एक ज़्यादा फैट वाला, एक होल मिल्क पाउडर कहते हैं और एक स्किम मिल्क पाउडर कहते हैं, तो दोनों तरह का पाउडर यहाँ तैयार होता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है मिल्क का, पूरी तरह से पूरी शुद्धता के साथ यहाँ पर भरा जाता है। और ये मिल्क पाउडर जो है, मैंने कहा दो तरह का होता है, कम फैट वाला और फुल फैट वाला, फुल क्रीम। तो ऐसा ये पूरा का पूरा पाउडर जो है मिल्क पाउडर, ये इंडस्ट्रियों में भी जाता है, बिस्किट से लेकर के अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रयोग होता है। और जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसका भी पाउडर बनाया जाता है, तो आप उसमें खाली गर्म पानी डाल देते हैं तो आपको जैसा फ्रेश मिल्क होता है वैसा का वैसा ही मिल्क ये होता है। ये 24 पैरामीटर हैं, जब दूध आता है तो आने के पहले ये सारी टेस्टिंग होती है, उसी के बाद वो टैंकर यहाँ फैक्ट्री में खाली किया जाता है, क्योंकि दूध एक बहुत ही संवेदनशील द्रव्य है और उसके अंदर बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, इसलिए उसको लाने के लिए जो टैंकर होते हैं वो भी सब एयर कंडीशन्ड होते हैं। जहाँ दूध इकट्ठा किया जाता है वो भी वातानुकूलित जो है पूरे उसके चीलर्स होते हैं, तो वहाँ यदि कहीं पर भी चूक हो तो पूरा का पूरा एक व्यक्ति की भूल से पूरा का पूरा 10-20 टन का जो टैंकर होता है वो पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है। इसलिए ये सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग दूध के प्रथम कलेक्शन से लेकर के चीलर से लेकर के चीलर से फिर यहाँ प्लांट में लाने तक, और उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ पर जब गुजर रहा उसके बाद भी दोबारा उसकी टेस्टिंग होती है कि प्रोसेसिंग के दौरान तो कहीं उसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं आ गई। हो सकता है कि जिस समय प्रोसेस कर रहे हो और प्लांट की ठीक से क्लीनिंग ना हुई हो तो फैक्ट्री तक तो दूध ठीक आ गया, लेकिन यदि प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ हैं, किसी प्रकार की वहाँ पर शुद्धता को लेकर के लापरवाही बरती गई है तो भी ख़राब हो सकता है, तो उसके बाद दोबारा उसकी टेस्टिंग होती है। तो इस तरह से दूध का जब चयन होता है, दूध को का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है और दूध का जब प्रोसेसिंग होता है तो कम से कम 3 बार उसकी सघन जांच होती है, और उसके बाद यदि वो प्योर होता है तो ही आप तक पहुंचाया जाता है। जब पाउडर तैयार हो गया तो मैंने कहा किसी भी तरह से हाइजीन के लेवल पर उसके रख रखाव के उसके जो प्रोसेसिंग के दरमियान यदि कोई भी भूल चूक हुई तो पाउडर में भी किसी भी तरह की इम्प्योरिटी आ सकती है, या जो पाउच पैक करके आपको देते हैं उसमें भी इम्प्योरिटी आ सकती है। तो बनने के बाद भी मैंने कहा जिस समय से गाय के स्तनों से जो है और दूध निकलता है वहाँ से लेकर के चिलिंग प्लांट से लेकर के फैक्ट्री तक पहुंचने और पहुंचने के बाद या प्रोसेसिंग करने के बाद तक अनेक बार उसको परीक्षण की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उसकी शुद्धता की पूरी परीक्षा हो पाती है। वहाँ जो पहले दिखा रहे थे तो प्रोसेसिंग से पहले और यहाँ प्रोसेसिंग के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, कहीं पर भी कोई बैक्टीरिया कहीं डेवलप हो रहा है तो उसकी जाँच पड़ताल करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, और ये सभी केवल दूध की फैक्ट्री में ही नहीं, सब जगह इस तरह की व्यवस्था रहती है कि कहीं पर कोई बैक्टीरिया तो डेवलप नहीं हो रहा, तो उसके लिए पूरी जांच पड़ताल की सारी व्यवस्थाएं की जाती है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस
प्रैक्टिस ऐसी माने एक जो भी मिल्क प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स हैं उनकी कुछ सुनिश्चित प्रक्रियाएं हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, तो उन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए उसमें अतिरिक्त सावधानियां रखते हुए उन सारी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है जिससे कि आप तक प्योरिटी के साथ हम प्रोडक्ट को उपलब्ध करा सकें। पूरा दूध प्रोसेस होने के बाद यहाँ आ जाता है और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से ये पाउच के अंदर भर करके आप तक पहुँचता है। इसमें भी किसी प्रकार के छिद्र आदि ना हो, क्योंकि पाउचिंग में भी कहीं प्रॉब्लम हुई तो दूध के अंदर एयर जा सकती है और उससे बैक्टीरिया इसमें पैदा हो सकता है। और यदि इसकी ये सील ठीक से नहीं किया गया है, इसके जिसमें सील किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कमज़ोर है तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसको कितनी ऊंचाई से डालते हैं, करीब ऐसे 5-10 फीट की ऊंचाई से ऐसे डाल करके इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये जो है पूरा का पूरा ऐसे एक प्रक्रिया है इसको मापने की। तो दूध आने से लेकर के उसके प्रोसेसिंग से लेकर के और पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद यहाँ प्रोसेसिंग के बाद उसके कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर उसको रखा जाता है। और यहाँ काफ़ी अभी अंदर ठंडा है, पहले ही ठंड का मौसम है, इसलिए ये प्रोसेस है दूध की पैकेजिंग से लेकर के प्रोसेसिंग से लेकर के और उसके रखरखाव तक स्टोरेज तक की व्यवस्था यहाँ होती है। 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करते हैं जिससे कि दूध की क्वालिटी खराब ना हो।